गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन अपना बिजनेस कम्युनिकेशन, जो इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो बेसिकली जो बिजनेस कम्युनिकेशन का सेकंड चैप्टर है लिसनिंग स्किल्स, वो अपन करेंगे। ठीक है, ये लिसनिंग स्किल्स अपना सेकंड चैप्टर है और ये 125 पेज नंबर पर दे रखा है हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन की मॉड्यूल में। ठीक है, अब देखो मेरी बात। इस चैप्टर का नाम क्या है? लिसनिंग स्किल्स। इसमें कुछ नहीं है फालतू की बकवास कर रखी है कि हमें किसी चीज़ को सुनना कैसे चाहिए, आपको मेरे लेक्चर को सुनना कैसे चाहिए, वही फालतू की इसमें बातें कर रखी है। ठीक है, फालतू की बोले तो मतलब यार इतनी यूजफुल नहीं है, कोई इतना बहुत ही ज़्यादा कॉमन चैप्टर है, पर फिर भी अपन जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो अपन देख लेते हैं। पहली बात इस चैप्टर में ध्यान रखनी है, लिसनिंग और हियरिंग में फ़र्क होता है। अपन कब से कर रहे हैं इन चीज़ को, कि लिसनिंग का मतलब तो होता है ढंग से समझना, सब कुछ करना, और हियरिंग का मतलब होता है सिर्फ सुनना। इस चीज़ को पहले तो अपना ध्यान रख लो कि लिसनिंग और हियरिंग में फ़र्क होता है। हियरिंग बोले तो आपने सिर्फ सुना, और लिसनिंग बोले तो आपने सुना, अपना दिमाग लगाया, अपना ब्रेन में समझा क्या हो रहा है, सारी चीजों को एनालाइज करा। तो लिसनिंग इज हियरिंग इज जस्ट अ फिजिकल एक्टिविटी एंड इट इज अ एक्ट ऑफ प्रिसीविंग साउंड वेव्स थ्रू ईयर्स। आपके कानों के अंदर आवाज गई, उसको हम बोलेंगे हियरिंग। लिसनिंग क्या होता है? लिसनिंग एक मेंटल एक्टिविटी है। मेंटल एक्टिविटी किसको बोलते हैं? जिसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसको बोलते हैं मेंटल एक्टिविटी। इसके अंदर अपन सुन भी रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं, इसे कहते हैं अपन को लिसनिंग। ठीक है, अब देखो लिसनिंग करते हुए अपन वर्बल मैसेजेस तो सुनते ही है, साथ में नॉन वर्बल मैसेजेस भी सुनते। कैसे? अगर हम ध्यान दें, अगर कोई सामने मेरे स्पीच दे रहा है तो मैं उसकी आवाज़ें सुनूंगा, उसको एनालाइज करूंगा, साथ में उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी नोट करूंगा, उसके हैंड जेस्चर को नोट करूंगा, उसकी वॉइस की टोन को नोट करूंगा। तो ये सारी चीज़ें हमें लिसनिंग में करनी चाहिए। लिसनिंग का मतलब क्या होता है? सुनना और समझना। हियरिंग का मतलब क्या होता है? सिर्फ सुनना। ये बात पहले क्लियर कर लो। क्लियर हो गई? ठीक है, अब आगे देखो पर्पस। अब यार ये थ्योरी आ गई, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रखा, मॉड्यूल में पॉइंट्स लिख रखे पर्पस ऑफ लिसनिंग। कोई तुमसे तुम्हारा थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, अपना एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, कोई हमसे पर्पस लिखने को तो पूछेगा नहीं। अपन को सिर्फ पता होना चाहिए पर्पस क्या है। लिसनिंग बोले तो ढंग से सुनना, ढंग से सुनना और समझना, तो उसके पर्पस क्या है? उससे हमारा मतलब देखो, टू क्रिटिकली असेस व्हाट इज बीइंग सेड। अगर किसी चीज़ का क्रिटिकल असेसमेंट करना है तो उसके लिए उस चीज़ों को सुनकर समझना भी पड़ेगा, तो ये इसका एक पर्पस हो गया। अगर हम ढंग से सुन के समझेंगे तभी जो हमारे सामने कम से कम्युनिकेशन कर रहा है उसको इंटरेस्ट आएगा, तो उसके इंटरेस्ट के लिए हो गया। ठीक है, अगर पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें किसी सब्जेक्ट की, तो हमें स्पीकर की हाँ तो अपन इधर थे। अगर हमें किसी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो हमें स्पीकर की पूरी बात को सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तभी उस सब्जेक्ट के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में स्पीकर बोल रहा है, वो हमें ढंग से समझ में आएगा। तो अपन ने ये कर लिया। और वही यार पर्पस क्या है लिसनिंग का? सुनने से होगा क्या? जो वो मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहा है वो तुम्हें समझ में आएगा, वो तुम्हें एक्यूरेटली समझ में आएगा, वो तुम्हें अप्रोक्सीमेटली समझ में नहीं आएगा यार मोटा मोटा ये कहना चाह रहा है। अगर अपन ढंग से लिसनिंग करेंगे चीज़ों को तो हमें हर चीज़ को समझ में आएगी, एनालिसिस होगा ब्रेन में, वो चीज़ मेंटली हम एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, टू शो इंटरेस्ट और कंसर्न, ये बस फालतू की बात है, पर्पस ऑफ लिसनिंग हो गया। अब देखो इसके बाद अपनी देर, अब देखो मेरी बात, मैं तुम्हें मॉड्यूल भी साथ में दिखा दूं कि अपन ने क्या करा है। ये अपना लिसनिंग टॉपिक है, इंट्रोडक्शन में वही लिसनिंग क्या होती है, हेयरिंग क्या होती है, वो सब दे रखा है। उसके बाद भी वही दे रखा है कि लिसनिंग शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद हियरिंग, दोनों अलग अलग चीज है। वही लिसनिंग हियरिंग पे थ्योरी दे रखी है, लिसनिंग इज अ पैसिव प्रोसेस, ये सब दे रखा है, छोड़ो उसको आगे चलो। पर्पस ऑफ लिसनिंग ये एक टेबल बना के दे रखी है कि पर्पस ऑफ लिसनिंग क्या होता है, कि एनालाइज कर सकते हैं हम, असेस कर सकते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग पर अराइव कर सकते हैं, फालतू फालतू चीज दे रखी है, एक बार देख लो। ठीक है, और लिसनिंग और हियरिंग के अंदर देखो फालतू का इन द सेंस क्या है, इनमें से क्वेश्चन अगर तुम बिना पढ़े जाओगे तभी भी कर लोगे, जो अभी तक अपन ने पार्ट करा है। इसके आगे वाला पार्ट थोड़ा समझाने वाला है, वो मैं समझाऊंगा। ये चीज अगर तुम बिना पढ़े भी जाओगे, थ्योरेटिकल चीज है तो तुम कर लोगे। ठीक है, लिसनिंग और हियरिंग में डिफरेंस आ गया। अब देखो टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स करते हैं। अब ये थोड़ा बोल सकते हैं अपन, बढ़िया चीज है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स करते हैं। ठीक है, अब देखो
टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स में कितने हैं? कम से कम 10 से लेके 11 हैं। सबसे पहले अपन कर रहे हैं बायस्ड लिसनिंग। देखो बायस्ड लिसनिंग से क्या पता लग रहा है, बायस बायस का मतलब क्या होता है, तुम एक तरफ झुकाव, तुम्हारा अगर दो व्यूज है, तुम्हारा एक तरफ झुकाव है, तुम उसकी तरफ बायस हो, तुम उसके साथ हो, उस अप्रोच को ज्यादा फॉलो करते हो, तो तुम बायस हो। व्हेन द पर्सन हियर्स ओनली व्हाट दे वांट टू हियर, टिपिकली मिस इंटरप्रिटिंग व्हाट द अदर पर्सन से, मतलब अगर सामने वाले ने कुछ बोला, तुम वही सुन रहे हो जो तुम सुनना चाहते हो, मतलब तुम पहले से ही अपने दिमाग में बायस्ड हो और सिर्फ उसकी वो बात सुन रहे हो जो तुम सुनना चाह रहे हो और बाकी की चीज़ों को अपने आप इंटरप्रेट कर रहे हो, मतलब तुम स्पीकर को एक तरीके से पूरी बात नहीं सुन रहे। बायस्ड का मतलब क्या है कि तुम पहले से ही बायस्ड हो और तुम जो तुम्हें पता है या जो तुम सुनना चाह रहे हो वही सुन रहे हो, बाकी चीज़ों को तुम इग्नोर मार रहे हो। ये बात हो गई। इवैल्यूएटिंग लिसनिंग क्या होती है? इवैल्यूएटिंग लिसनिंग मतलब तुम जजमेंट, देखो इसको इवैल्यूएटिंग लिसनिंग को क्रिटिकल, जजमेंटल और इंटरप्रिटेटिव लिसनिंग कहते हैं। इसका मतलब तुम स्पीकर को जज करते रहते हो, तुम बार बार स्पीकर को एसेस करते रहते हो अपने दिमाग में, क्या ये सच बोल रहा है नहीं बोल रहा, क्या ये झूठ तो नहीं बोल रहा। तो तुम वी पास जजमेंट्स अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, हम उसके खिलाफ ही अपने मन में उसका इवैल्यूएशन करते हैं। पहला तो है बायस्ड, जो वो बात बोल रहा है हम पहले से ही उसके रिलेटेड बायस्ड होते हैं कि यार ये तो गलत बोल रहा है, इसकी बात क्या सुननी, इसकी सिर्फ वही बात सुननी है जो हमें अच्छी लगती है। तो बायस्ड लिसनिंग हो गया। इवैल्यूएटिंग लिसनिंग मतलब तुम हर चीज को अपने माइंड में इवैल्यूएट कर रहे हो, हर चीज को क्वेश्चन कर रहे हो, जजमेंट पास कर रहे हो, यार ये स्पीकर तो बीजेपी का है तो बीजेपी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता रहता है, तो जजमेंटल लिसनिंग हो गया। सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक लिसनिंग, देखो सिंपैथी और एम्पैथी में फर्क होता है, ये बचपन में अपन ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा मैं बताता हूँ। सिंपैथी होता है कि कोई खुश है तो हम उसको कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं कि यार बहुत बढ़िया, तेरा अच्छी बात है प्रमोशन हो गया, तेरे बात अच्छी बात है ये हो गया। अगर दुखी है तो हम उसको संवेदना दे रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, नई जॉब लग जाएगी, कोई बात नहीं। और एम्पैथी थोड़ा डीप होता है, डीप बोले तो सिंपैथी तो ऊपर ऊपर से होता है कि यार चलो ठीक है, एम्पैथी होता है उसकी सिचुएशन को फील करना, उसकी सिचुएशन में अपने आप को रखकर और फिर खुशी या दुख एक्सप्रेस करना। तो देखो सिंपैथी क्या होता है, वी केयर अबाउट अदर पर्सन एंड वी शो एंड एक्सप्रेस आर कंसर्न सोरो फॉर देयर इल्स एंड हैप्पीनेस एट देयर जॉय, हम उसको एक तरीके से बोल रहे हैं अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी बात है ये हो गया, बहुत बुरी बात है ये हो गया। एम्पैथी एम्पैथी समवॉट डीप थिंग, समवॉट अ डीप मीनिंग एज रिलेटेड टू सिंपैथी। एम्पैथी के अंदर हम अपने आप को उसकी सिचुएशन पर रखते हैं कि यार ये इसके साथ ऐसी घटना हुई है तो मैं अपने आप को उसकी सिचुएशन में इमेजिन कर रहा हूँ और फिर मैं सोच रहा हूँ यार ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं रो रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें एम्पैथी में आती है। वी गो बियॉन्ड सिंपैथी एंड पुट आर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ अनदर एंड अंडरस्टैंड समवन एल्स फीलिंग, वी एक्चुअली फील व्हाट दे आर फीलिंग। तो देखो टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स में अगर एमसीक्यू में पूछे बायस्ड क्या होते हैं, अपन किसी चीज़ के खिलाफ, अपन किसी के साथ बायस्ड है और सिर्फ उसकी वो बातों को सुन रहे हैं जो हमें सुनने में अच्छी लग रही है। इवैल्यूएटिव मतलब हम हर चीज़ में जजमेंट पास कर रहे हैं, हम बहुत जजमेंटल नेचर के, हम हर चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे हैं। सिंपैथी मतलब हम उसको सौरव हो रहा है तो उसके लिए हम उसको सौर इल हो रहा है तो उसके लिए सौरव एक्सप्रेस कर रहे हैं, हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रहे हैं जॉय के लिए। एम्पैथी मतलब हम उसकी सिचुएशन में अपने आप को रखकर फिर इमेजिन कर रहे हैं। और थेरो ये जो अपना थेरोपैटिक है, मतलब ये तीनों एक लाइन के अंदर है, ये एम्पैथी से भी ज़्यादा डीप है। कैसे? वो बंदा अपनी सिचुएशन पर तो आ गया और फिर हमें चेंज कर रहा है। थेरेपी करते हैं ना, थेरेपी किसी को चीज, किसी के साथ बहुत बुरी घटना हो गई, किसी को मेंटल शॉक हो गया, नर्वस शॉक हो गया, तो जो उनका थेरेपिस्ट होता है वो उससे इतना फ्रेंडली हो जाता है कि वो उसको सारी, वो जो विक्टम है वो उसको अपना फ्रेंड मानकर सारी चीज़ें शेयर करता है और फिर अपन उसको अपनी सिचुएशन में रख के उसको चेंज करते हैं, उसको बदलते हैं। थेरेपिस्ट मतलब देखो द लिसनर हैज पर्पस नॉट ओनली एम्पैथाइजिंग विद द स्पीकर बट ऑल्सो टू यूज दिस डीपन कनेक्शन इन ऑर्डर टू हेल्प द स्पीकर अंडरस्टैंड और चेंज और डेवलप इन सम वे। समझ रहे हो मेरी बात?
दोबारा देखो, सबसे पहले अपन ने लिसनिंग और हियरिंग की बात करी। लिसनिंग और हियरिंग मैंने आपको बता दिया, हियरिंग मतलब सिर्फ सुनना, लिसनिंग मतलब सुनना और समझना। पर्पस क्या है लिसनिंग के, सारी चीजें क्यों हमें सुन के समझना चाहिए, क्योंकि सुनने से तो कोई फायदा ही नहीं होता जब तक हम उन चीज़ों को समझते नहीं है। तो समझने के फायदे दे रखे, ये तो बच्चों वाली चीज है। अब टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल में पहली तो हो गई बायस, कि आप किसी वर्ड्स या किसी टॉपिक पर बायस्ड हो और आप सुनना ही नहीं चाह रहे सामने वाला क्या बोल रहा है। इवैल्यूएटिव हो गया, आप हर चीज में जजमेंट पास कर रहे हो, हर चीज का इवैल्यूएशन कर रहे हो। ठीक है, सिंपैथेटिक हो गया कि आप उसके अच्छे में आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, बुरे में आप उसको कंडोल कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो। एम्पैथेटिक मतलब आप उसकी सिचुएशन पे अपने आप को इमेजिन करके उसके साथ उसकी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हो। और थेरेपिस्ट मतलब आप अपने आप को उसकी सिचुएशन पे रखकर उसकी साथ फीलिंग्स तो शेयर कर रहे हो, पर आपका मकसद है कि उसको चेंज करना। उसके साथ अगर कोई बुरी चीज हुई है तो उसको समझना, आपको उसको चेंज करना, आप उसको डिप्रेशन से बाहर लाना, जो कि अपने थेरेपिस्ट लोग करते हैं। तो ये होती है थेरापेटिक लिसनिंग। एप्रिसिएशन लिसनिंग मतलब कि आपको गाने सुनना अच्छा लग रहा है, आपको कोई एंटरटेनिंग स्पीच, कोई कॉमेडी की स्पीच, कोई जोक सुनने पसंद आ रहे हैं, तो इसे बोलते हैं एप्रिशिएटिव लिसनिंग। लिसनिंग फॉर द प्लेजर एंड एंजॉयमेंट और फॉर द इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू मीट योर गोल्स। सर मोटिवेशनल वीडियोज बनाओ, आपको मोटिवेशन सुनना है जिससे कि आपको अच्छा लगे, तो ये एप्रिशिएटिव लिसनिंग होगी, एप्रिशिएटिव लिसनिंग होगी। ठीक है, अब देखो आगे। अब रिलेशनशिप लिसनिंग, आप क्यों सुन रहे हो सामने वाले को, जिससे कि आप उसके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर सको, जैसे लवर्स में होता है या फिर कोई अपना कंपनी के अंदर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, अपने सेलर जो अपना बायर होता है ना उसके साथ एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होता है किसी गुड्स को सेल करने के लिए, तो ये होती है रिलेशनशिप लिसनिंग। इतनी बात समझ में आई। अब देखो सेलेक्टिव लिसनिंग और बायस, देखो ये जो जितनी कैटेगरी है ना ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये कहीं ना कहीं ओवरलैप होगी। अपन को इतना दिमाग नहीं लगाना, हम अपन को हर वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, हर वर्ड के बारे में सुना होना चाहिए, बस इतना ही करना है। ठीक है, सेलेक्टिव लिसनिंग क्या होती है कि आप कुछ ही मैसेज को उसमें से पढ़ रहे हो, जैसे बायस लिसनिंग होती है कि आप पहले से ही उस टॉपिक के अंदर बायस्ड हो, वैसे ही सेलेक्टिव क्या होती है आप उसकी बातें ही नहीं सुन रहे, आप सिर्फ उसका मेन पॉइंट सुन के उसकी रीजनिंग नहीं समझ रहे, आप सिर्फ उसकी थोड़ी चीजों को फिल्टर आउट करके बाकी सारी कहानी अपने मन से बना रहे हैं, तो ये होती है सेलेक्टिव लिसनिंग। डायलॉगिक लिसनिंग होती है कि आप ग्रुप में बैठकर कन्वर्सेशन कर रहे हो किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग या आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं डायलॉगिक लिसनिंग। के जो डायलॉग वर्ड है शायद कहीं और भी आया था, इसका ओरिजिन का है ग्रीक, जिसका मतलब है डाय और लोगोस। इस बात को ध्यान रखना, ये होता है ना वर्ड्स कहाँ से ओरिजिन हुआ, ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी है पर बच्चे इग्नोर मारते हैं। डाय मीनिंग थ्रू एंड लोगोस मीनिंग वर्ड्स, तो डायलॉगिक का मतलब है वर्ड्स, आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं, कन्वर्सेशन हो रही है, उससे आप वो कन्वर्सेशन आप सुन रहे हो, उनके आइडियाज को सुन रहे हो, तो इसे बोलते हैं डायलॉगिक लिसनिंग। अब दो लिसनिंग और है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में फर्क क्या है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग होती है कि आप जो सामने स्पीकर है उसके वर्ड्स हो रहे नहीं सुन रहे, सॉरी आप उसके वर्ड्स हो रहे नहीं सुन रहे, आप उसकी साउंड को साउंड से एनालाइज कर रहे हो कि मेरी आवाज तेज हुई, मैं गुस्से में हूं, मेरी आवाज धीमे है, मैं काम हूं, मैं गुस्से में हूं आवाज तेज करी, मैं धीमे हूं मैं काम हूं, मतलब डज नॉट इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स बट मियरली द डिफरेंट साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड। उसका एक्सेंट, उसके प्रोनंसिएशन, उसके वर्ड्स, उसकी टोन, उसकी वॉइस की क्या बोलते हैं वो होता है ना कि फ्रीक्वेंसी, तो उन चीजों से आप उसको सुन रहे हो। लिसनर इज एबल टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश इमोशंस थ्रू द स्पीकर्स चेंज इन वॉइस टोन एंड पॉज। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो 10-11 कैटेगरी है ना ये एक्सक्लूसिव नहीं है कि तुम सोचोगे कि सर इन दोनों में फिर क्या फर्क हुआ, ये सब कई जगह ओवरलैप कर रही है, ये कोई रॉकेट साइंस का हार्ड एंड फास्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, ये बहुत जगह ओवरलैप कर रही है, ये सिर्फ अपन को कैटेगरी बता रहा है कि इतने तरीके की होती है। अगर डिस्क्रिमिनेटिव का भी पेपर में आएगा तो इस पे MCQ क्या बनेगा, ये क्या चीज है, ये साउंड सुनता है कि टोन ऊपर हो रही है नीचे हो रही, मतलब मेरे इमोशंस को मेरी साउंड की
फ्रीक्वेंसी से, टोन से, हार्शनेस से, तेज और धीमे से, उन चीजों से समझने को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग को अपन बोलते हैं फुल लिसनिंग, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग और कंटेंट लिसनिंग, मतलब वी आर अंडरस्टैंडिंग द होल मैसेज आइडिया ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर बोलने चाह रहा है हम सब चीजें समझ रहे हैं उसकी, उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग, उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग। अब दोबारा देख लो, पहले मैंने आपको लिसनिंग और हियरिंग में डिफरेंस बताया, आप लोगों को समझ में आ गया। हियरिंग मतलब सिर्फ सुनना, लिसनिंग मतलब सुनना और समझना, ठीक है। हमने पर्पस ऑफ लिसनिंग करा कि हमें क्यों सुनना चाहिए, भाई जब तुम सुन के समझोगे तभी किसी चीज को समझ पाओगे, तो ये सारे पर्पस हो गए जनरल। फिर हमने लिसनिंग स्किल्स में पहला देखा बायस्ड लिसनिंग, वो अपन ने देख ली। अपन ने इवेलुएटिंग लिसनिंग देख ली कि हम हर चीज को इवेलुएट कर रहे हैं, हर चीज में जजमेंट्स पास कर रहे हैं, हर चीज को तराजू पर तोल रहे हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक हो गया कि हम उसको कंसोल कर रहे हैं, हम एम्पैथेटिक हो गया कि हम उसकी सिचुएशन पे जाके उसके साथ कॉमन फीलिंग शेयर कर रहे हैं, थेरापिस्टिक हो गया कि हम उसकी सिचुएशन पे जाके कॉमन फीलिंग शेयर क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हम उसको चेंज कर सके, उसको डिप्रेशन से बाहर ला सके, उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है उससे उसको रिकवर करा सके। एप्रिशिएटिव लिसनिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंजॉयमेंट हो रहा है, हमें प्लेजर मिल रहा है, इसलिए अपन एप्रिशिएटिव लिसनिंग कर रहे हैं। रिलेशनशिप लिसनिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसके साथ रिलेशनशिप में आना है, हमें उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, हमें उसको कोई प्रोडक्ट बेचना है, जैसे कंपनियों में होता है। हमें सेलेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, हमें कोई चीज ही सेलेक्टिव, सिर्फ वही चीज सुन रहे हैं, ठीक है। डायलॉगिक लिसनिंग क्या हो गई कि हम वही डायलॉग्स हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है ग्रुप्स के अंदर, उन चीजों को हम समझ रहे हैं। और डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या हो गई, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग मतलब साउंड से हम चीजों को, इमोशंस को समझ रहे हैं स्पीकर के। और कॉम्प्रिहेंसिव क्या हो गई कि हम सारी चीजें हम समझ गए उसकी, कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है। तो ये टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स हो गई, ये टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स हो गई। अब एक बार मैं आपको ये चीज मॉड्यूल में दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स में पहला हो गया डिस्क्रिमिनेटिव, इसमें क्या होता है साउंड्स को सुन रहे हैं और उससे इमोशंस का पता लगा रहे हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे साथ बोलो, याद हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हमें सब चीज़ आती है, सब कुछ हो गया, ठीक है। बायस्ड लिसनिंग मतलब कि हम बायस्ड है। इवेल्युएटिव मतलब हर चीज़ को इवेल्युएट कर रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं। एप्रिशिएटिव मतलब म्यूजिक सुन रहे हैं, इंजॉयमेंट के लिए सुन रहे हैं। सिंपैथेटिक मतलब सिंपैथाइज कर रहे हैं उसको, एम्पैथाइज कर रहे हैं, ये मैंने बहुत बार बता दिया। थेरापेटिक का मतलब हम उसको थेरेपी दे रहे हैं, उसको किसी डिप्रेशन से बाहर निकाल रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। डायलॉग मतलब कन्वर्सेशन को, अपने एक्सचेंज ऑफ आइडियाज को जो अपन सुन रहे हैं। रिलेशनशिप लिसनिंग बता दिया, सेलेक्टिव लिसनिंग बता दिया, ठीक है। एक्टिव और इफेक्टिव लिसनिंग इसकी कोई खास नहीं है, वही चीज है एक्टिव और इफेक्टिव लिसनिंग। यार सुन रहे हो और समझ रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग बोलेंगे। कोई खास कैटेगरी नहीं है इसलिए मैंने लिखी नहीं है, ठीक है। अपन ने ये कर लिया, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ लिस्टनर्स। टाइप ऑफ लिस्टनर्स इसको भी देख लो, कितने टाइप है, ये कितने टाइप है, पांच टाइप है। एक्टिव लिसनर, पैसिव लिसनर, नॉन लिसनर, मार्जिनल लिसनर, इवेल्युएटिव लिसनर्स। वही चीज है जो भी अपन ने करी ना, उसी चीज को घुमा फिरा के दोबारा दे दिया, ठीक है। अब देखो मेरी बात, टाइप ऑफ लिसनर्स में क्या है, सबसे पहला है एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर का मतलब क्या, एक्टिव एक्टिव का मतलब क्या होता है कि यार ये तो बहुत जोश वाला है, मतलब ये सारी चीजें सुन रहा है और समझ रहा है। अगर सामने स्पीकर है मेरे, तो मैं उससे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, अपने डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ और मैं उसको अप्रूवल दे रहा हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जैसे कभी तुम किसी गेस्ट लेक्चर में जाते हो तो तुम गर्दन हिलाते रहते हो कि हाँ यस सर आ रहा है, यस सर हमें समझ में आ रहा है। तो एक्टिव लिसनर मतलब हम अपने स्पीकर को बता रहे हैं कि हमें आपकी सारी बातें समझ में आ रही है, हम अपने डाउट को क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है, एक्टिव लिसनर। देखो, दे कीनली लिसन टू द मैसेज, बट दे कीनली लिसन टू द मैसेज बट ऑल्सो टू द वे इट वॉज डिलीवर्ड। हम उसकी जैसे वो बातें कर रहे हैं उसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। दे विल नॉट हेजिटेट
टू सीक क्लैरिफिकेशन, आस्क लीडिंग क्वेश्चंस, शो देयर अप्रूवल बाय नॉडिंग हेड, एंड म्यूचुअल इन्वॉल्वमेंट होती है कि स्पीकर की तरफ से भी इन्वॉल्वमेंट है और हम भी वो जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। दूसरा क्या है? पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग बोले तो हम सिर्फ सुन रहे हैं पर समझ नहीं रहे। पैसिव, देखो ये तो हो गई लिसनिंग और ये हो गई हियरिंग, मतलब हम सिर्फ सुन रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ये सारी चीजें। देखो, दे पे अटेंशन ओनली टू द पार्शियल मैसेज एंड लैक सेंसिटिविटी इन अंडरस्टैंडिंग इट्स इनर मीनिंग। सिर्फ सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे कि भाई वो बोलना क्या चाह रहा है, कुछ समझ नहीं रहे। दे डू नॉट सी क्लैरिफिकेशन, हम कोई उनसे क्वेश्चन भी नहीं पूछते, हम नोट्स भी नहीं बनाते और ना हम अपनी गर्दन को हिलाकर बताते कि भाई तुम सही हो, एग्री या डिसएग्री भी नहीं करते। हम स्पीकर के साथ बस सुनते रहते हैं, हम अपने माइंड्स को क्लोज रखते हैं, किसमें? पैसिव लिसनिंग में। ठीक है, ये बात तो हो गई, एक तो होता है सुनना और समझना, एक होता है सुनना, ये हो गया। अब देखो नॉन लिसनर्स, नॉन लिसनर जो अपने स्कूल में, स्कूल कॉलेज में हम क्लास के अंदर बैठे बैठे होते हैं कि हम टीचर को बेवकूफ बनाते हैं, फेक करते हैं अटेंशन कि हम आपकी सारी बातें सुन रहे हैं पर दिमाग में पता ही नहीं क्या क्या चल रहा होता है, कुछ भी चल रहा होता है दिमाग में कि अगर स्कूल में कल को ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, वो करेंगे। दे डू नॉट लिसन एट ऑल एज दे आर जेन्युइनली डिसइंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट। तुम्हें कुछ भी नहीं सुनना, तुम इसमें कम से कम सुन तो रहे थे, तुम्हें तो यहाँ सुनना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं सुन रहे। दे फेक अटेंशन एंड दे प्रिटेंड टू फॉलो द स्पीकर, हम एक्टिंग करते हैं क्लास में, हाँ मैडम सब समझ में आ रहा है, आई अंडरस्टैंड, आई नो, हम ऐसे गर्दन हिलाते रहते हैं झूठ झूठ में पर हमें क्लास और कॉलेज में कुछ भी समझ में ही नहीं आता, हम अटेंशन फेक करते हैं, उस कैटेगरी को क्या बोलते हैं? नॉन लिसनर्स। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे चलो, मार्जिनल लिसनर्स क्या होते हैं? मार्जिन, मार्जिन बोले तो वो सिर्फ है ना मेन कंटेक्स्ट सुनते हैं, कैसे? दे आर इंटरेस्टेड इन बॉटम लाइन एंड मियरली हियर द साउंड्स ऑफ वर्ड बट फेल टू ग्रास्प मीनिंग। दे विल नॉट हैव द पेशेंस टू सिट थ्रू कंप्लीट कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रेजेंटेशन एंड दे जंप ऑन फाइंडिंग कंक्लूजन। मतलब मार्जिनल बोले तो बस अच्छा टॉपिक ये है, फटाफट कंक्लूजन में आ जाएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो कंक्लूजन कैसे आया, उन्हें आउटकम से मतलब, एक तरीके से कि भाई किसी चीज पे प्रेजेंटेशन हो रही है, उनकी बस की बात नहीं है प्रेजेंटेशन सुनना, लास्ट में उसका कंक्लूजन होगा ना वो समझ के वो सारा आइडिया जो प्रेजेंटेशन का था वो अपने दिमाग में ही खुद ही डेवलप कर लेंगे कि ये प्रेजेंटेशन कैसे हुई। तो देखो, एक्टिव लिसनर्स, पैसिव लिसनर्स, नॉन लिसनर्स, मार्जिनल लिसनर्स, जिनको प्रेजेंटेशन के कंक्लूजन से मतलब है कि क्या कंक्लूजन है, फालतू की बकवास से मतलब नहीं है। और इवैल्यूएटिव लिसनिंग, इवैल्यूएटिव लिसनिंग मतलब बोले तो हर चीज में जजमेंट पास कर रहा है, वही है उसकी कैटेगरी है ये कि वी मेक जजमेंट्स अबाउट व्हाट द पर्सन इज सेइंग, वी सीक टू असेस द ट्रूथ ऑन व्हाट इज बीइंग सेड, वी ऑल्सो जज व्हाट दे सेज अगेंस्ट आवर वैल्यूज और नॉट, असेसिंग देम एज गुड और बैड, हम उसको जज करते। इवैल्यूएटिंग लिसनिंग अपन ने यहाँ करी थी ना, इवैल्यूएट करना क्या होता है? जज करना, हर चीज में कमेंट्स पास करना, हर चीज में चैलेंज करना, तो ये क्या चीज हो गई? इवैल्यूएटिव लिसनिंग हो गई। तो क्या कर लिया अपन ने? एक्टिव लिसनिंग कर ली, पैसिव लिसनिंग कर ली, नॉन लिसनर्स कर लिया और इवैल्यूएटिव लिसनिंग कर ली, अपन ने इतना कर लिया। अब देखो मेरी बात, सबसे अच्छी तो क्या होती है? एक्टिव लिसनिंग होती है कि सुन के समझना, स्पीकर को हर चीज कन्वे करना कि हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब देखो, बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग, हम एक्टिव लिसनिंग क्यों नहीं कर पाते, हम लोग ढंग से सुन के समझ के चीजों को क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि एक रीजन तो हो सकता है कि जो स्पीकर वोकैबुलरी यूज कर रहा है या जो स्पीकर लैंग्वेज यूज कर रहा है वो हम नहीं समझ पा रहे, तो ये इनएडुकेट लैंग्वेज बेस हो गया। दूसरा हो गया पार्शियल लिसनिंग, कि हम यार चीजों में अपना मोबाइल चला रहे हैं, हम लोगों से बातें भी कर रहे हैं और सुन भी रहे, तो हम सुन ही नहीं रहे एक तरीके से, तो हम समझ भी नहीं पाते। तीसरा हो गया हम इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट में, वी आर डिसइंटरेस्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी रिसिस्ट इट फ्रॉम हियरिंग टू, फ्रॉम लिसनिंग टू। ठीक है, हम वो जो सामने स्पीकर है ना, हम उसके खिलाफ नेगेटिव है। कुछ लोगों को नरेंद्र मोदी से हेट है, मतलब वो सोचते हैं कि उसकी स्पीच भी नहीं सुनता, अगर वो मोदी देश के नाम संबोधन करता है तो कुछ लोग उसको सुनते भी नहीं है। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो स्पीकर ही पसंद नहीं है उनको, ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद अपन करते हैं कि उसको
स्पीकर की स्पीच को हम पहले से जज कर लेते कि यार ये तो इस पॉलिटिकल पार्टी का, इसको आता क्या है। जैसे कुछ लोग राहुल गांधी को जज कर लेते हैं कि इसको आता क्या है, ये तो ऐसा है। तो ये सारी चीजें हम पहले से ही जजमेंटल हो रहे हैं दिमाग के अंदर, इसलिए हम उसकी बातों को भी नहीं सुनते, इसलिए हम लिसनिंग नहीं कर पाते। ठीक है, अब देखो, डीप रूटेड बिलीव्स मतलब हम तो जिद्दी है, हमारे तो ये बिलीव है, कोई भी इस बिलीव को नहीं तोड़ सकता, हमारी खुद के बिलीव्स है ये, मतलब हम बहुत जिद्दी है एक तरीके से। डीप रूटेड बिलीव्स का मतलब अगर स्पीकर हमारे बिलीव्स के अगेंस्ट बात कर रहा है, जैसा हम सोचते हैं वैसा वो स्पीकर एग्री नहीं कर रहा, तो हम समझते हैं ये स्पीकर को कुछ नहीं आता, हमारे बिलीव्स तो सबसे अच्छे हैं। तो इस पर रॉबर्ट सचलर ने बहुत बढ़िया अपनी मॉड्यूल में लिखी हुई है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये डेफिनेशन पढ़ के। कभी कोई अपनी बात नहीं सुने ना कि यार ये है ना हमारी बात ही नहीं सुन रहा, तो अपन उसको बोल सकते हैं माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट फंक्शंस ओनली व्हेन इट इज ओपन, मतलब हमारा दिमाग एक पैराशूट है, वो कब समझ पाता है चीजों को, जब वो ओपन होता है, ओपन माइंडेड होता है, तभी वो चीजों को समझ पाता है। तुम्हारा दिमाग बंद क्यों है, तुम चीजों को समझ क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि तुमने अपने बिलीव्स को सबसे ज्यादा सहमति दे रखी है कि हमारे बिलीव्स तो इनटेंजिबल है, उसको कोई भी नहीं चेंज कर सकता या डिस्टॉर्ट कर सकता, समझ रहे हो। तो ये चीज हो गई, उसके बाद ये हुआ थोड़ा नया है, डिफिडेंस। डिफिडेंस ये मैंने भी गूगल करा था, डिफिडेंस का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मान लो हम किसी लेक्चर में गए, लेक्चर में जाके हमें पता लगा यार हम सॉरी 12th की क्लास में जाके बैठ गए, हम अभी 10th के अंदर हैं, हम 12th की क्लास में जाके बैठ गए, तो हम 12th में हम पता है क्या सोचते हैं, यार मैं तो 12th की क्लास में आ गया, मेरे को तो पक्की बात है कुछ समझ में नहीं आने वाला। मतलब वी लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, वी अंडर एस्टिमेट आर ओन सेल्फ कैपेबिलिटीज एंड वी डिसाइड इन एडवांस दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द गिवन सब्जेक्ट। तो डिफिडेंस का मतलब क्या होता है, हम पहले से ये सोच लेते हैं कि यार हम नहीं समझ पाएंगे। तो डिफिडेंस एक नया वर्ड है, इसका मतलब पता होना चाहिए। और हम थोड़े इनटॉलरेंट है, हमसे नहीं बैठा जाता दो दो तीन तीन घंटे किसी के भाषण सुनने में, हम तो जो हमें अच्छा लगता है हम वो करते हैं, हम किसी के भाषण नहीं सुनते। ठीक है, तो ये बैरियर्स हो गए हमारे एक्टिव कम्युनिकेशन के। देखो, एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, नॉन लिसनिंग, मार्जिनल लिसनिंग और इवैल्यूएटिव लिसनिंग। और बैरियर्स क्या है एक्टिव लिसनिंग के, ये सारे अपन ने आपसे डिस्कस कर लिए। अब ये चीज मॉड्यूल में भी दिखा देता हूँ। देखो ये क्या है, ये एक्टिव लिसनिंग हो गया, ठीक है, ये पैसिव लिसनिंग हो गया, सीक्वेंस में चल रहे हैं अपन एकदम, ये नॉन लिसनिंग हो गया, ठीक है, ये मार्जिनल लिसनिंग हो गया, ये इवैल्यूएटिव लिसनिंग हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग वही है कि आप ढंग से सुन रहे हो, समझ रहे हो, सारी चीजों को देख रहे हो। ये अपना चार्ट हो गया बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग का, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए कि आपका लैंग्वेज बेस अच्छा नहीं है, आप चीजों को कम सुन रहे हो क्योंकि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आप उस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप उस स्पीकर को पहले से ही जज कर रहे हो, आपको वो स्पीकर अच्छा नहीं लगता, आप खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कम है, डिफिडेंस, और आप इनटॉलरेंट हो, और आपके खुद के डीप रूटेड बिलीव्स है। और ये देखो, ये कोटेशन यही दे रखी है कि रॉबर्ट सचलर की कोटेशन है, नाम भी एक बार देख लेना, क्या पता रॉबर्ट सचलर ही पूछ ले वो किसने बोला है। द माइंड इज लाइक अ पैराशूट विच फंक्शंस ओनली व्हेन इट इज ओपन। ठीक है, अब देखो मेरी बात, हमें क्या करना चाहिए अगर हमें एक्टिव लिसनिंग करनी है, तो बस 5 मिनट का और टॉपिक है, 5 मिनट में टॉपिक कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट, यही है चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, ढंग से सुनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब देखो दोबारा थ्योरी आ गई, तो थ्योरी को मैं क्या बोलता हूँ, फालतू बकवास है, मैं कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ, मैं चाहूँ तो इस चैप्टर को 4 घंटे चला सकता हूँ अपनी ये बुक की एक एक लाइन पढ़ के, पर मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, मैं ऑन द टॉपिक सिर्फ अपना जो टॉपिक है उस पर बात करता हूँ। देखो अगर तुम्हें ढंग से किसी चीज को सुनना है तो पहले बोलना बंद करो, पहले मुंह बंद करो और चीजों को सुनो, स्टॉप टॉकिंग, प्रिपेयर, खुद को तैयार करो, मोबाइल को साइलेंट पे करो कि हाँ मेरे को लेक्चर अटेंड करना है, मेरे को सुनना है, मेरे को सुनना है, प्रिपेयर योर सेल्फ टू लिसन, पुट द स्पीकर एट ईज, जो सामने वाला है ना उसको कंफर्ट लेवल में लाओ, ऐसा नहीं वो एक लाइन बोला सर ऐसा कैसे होता है, सर ऐसा कैसे होता है, अरे भाई रुक तो जाओ, उसको अपनी बातें कंप्लीट तो करने दो, उसको
उसको कंफर्टेबल जोन में रहने दो, उसको अनकंफर्टेबल क्यों कर रहे हो? तो ये बात हो गई, डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करो, वही बात है रिपीट हो रहे, मोबाइल हो रहे, उन सबको बंद करो, कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको हटाओ, इम्पेथाइज करो, मतलब वो जो लिसनर, जो स्पीकर हमें कुछ बता रहा है, उसकी उसकी सिचुएशन में जाके चीजों को समझो, सुनो, वही बात हो गई, पेशेंट रहो, आराम से बैठो, काम रहो। पर्सनल मिसकंसेप्शन, प्रिजुडाइस, मतलब खुद के बिलीव्स, खुद के सेट ऑफ बिलीव्स, चाहे वो सही हो या नहीं हो, खुद के, मैं तो ये सोचता हूँ ऐसा ही होता है तो मैं तो ऐसे ही सोचूंगा, मैं किसी सामने वाले की बात नहीं मानता, ठीक है ना? तो वो बात हो गई। उसकी टोन को लिसन करो कि उसकी टोन कब ऊपर हो रही है, कब नीचे हो रही है, वो कब गुस्से में है, वो कब लाइट मूड में, वो कहना क्या चाह रहा है, वो सीरियस बात कर रहा है, नॉन सीरियस बात कर रहा है, ठीक है? उसके आइडियाज को सुनो, सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान नहीं दे रहा कि बड़े बड़े वर्ड्स बोल रहा है, उसके आइडिया क्या है, उन वर्ड्स को से वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या पिक्चर जनरेट करना चाह रहा है, उन चीजों को सुनो। और वेट एंड वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब उसके बॉडी लैंग्वेज को देखो, उनकी टोन को ऑब्जर्व करो, वो ये पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, बाकी इनमें कुछ नहीं है। देखो, तो ये हमारे हो गए प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। अब देखो, एक जो दो चीज और कर लो, बैरियर्स, बैरियर्स बोले तो रुकावटें, जो अपन ने अभी करा था ना, बैरियर्स ऑफ, ये देखो, बैरियर्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, वही तुम्हारी मॉड्यूल में एक और बार दे रखा है, इसलिए मैं एक और बार करा रहा हूँ। बैरियर्स क्या होते हैं? हमारे खुद के पहले से आइडिया है, हम इसकी बात नहीं सुनते, हम बार बार सामने वाले को बोलने से पहले इंटरप्ट करते रहते हैं, जिससे कि उसको परेशान करते रहते हैं, हम खुद अपने मोबाइल में लगे पड़े हैं, हमारा क्लोज माइंड सेट है, हम अपने बिलीव्स को बिलीव करते हैं, हमारा मूड अच्छा नहीं है, इसलिए हम सुन नहीं पाते। बैरियर्स बोले तो रुकावटें, ढंग से सुनने में रुकावटें क्या आ सकती है, हमारा मूड अच्छा नहीं है, हम गुस्सा हो रखे हैं, नॉइस कहीं से जनरेट हो रही है, नॉइस इज द बिगेस्ट बैरियर ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, ठीक है? हम अटेंशन झूठा बोल रहे हैं कि मतलब ऐसे ही बैठे हैं क्लास में कि हमें सब समझ में आ रहा है, तो ये बैरियर्स है ना, हम फेक कर रहे हैं अटेंशन। हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमें क्यों नहीं समझ में आ रही कोई चीज, ठीक है? हम सीधा कंक्लूजन पर जंप कर रहे हैं, अरे भाई रीजनिंग से ही तो कंक्लूजन आता है, उसके पीछे का आइडिया समझोगे तभी तो तुम्हें समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है? डिस्ट्रैक्शन होते हैं और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो हमें ये सारी चीजें हो गई बैरियर्स। अब इन बैरियर्स को रिमूव कैसे करना है, हमें कंसंट्रेट रहना चाहिए हमेशा, हमें कभी भी है ना, अगर स्पीकर कोई टॉपिक पे बोल रहा तो इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएट इंटरप्शन नहीं करना चाहिए, हमें उसको बात को कंप्लीट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, फिर उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी चाहिए अपने डाउट्स पे, ठीक है? हमें हमें सामने वाले को बताते रहना चाहिए गर्दन से कि यस वी आर इंटरेस्टेड इन योर टॉक, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। हमें सामने वाले को भी साथ लेकर चलना चाहिए, हमें पहले से ही, अगर कोई लेक्चर हम अटेंड करने वाले हैं, हम पहले से ही उस पर थोड़ा प्रिपेयर हो जाते हैं ना, तो हमारा दिमाग खुल जाता है कि ये लेक्चर हमने पहले से ही थोड़ा बहुत पढ़ लिया, अब डीप के अंदर जब क्लास में टीचर पढ़ाएगा तो हम कनेक्ट कर पाएंगे, हम डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है? और रिविजन, बी रेडी टू एक्सेप्ट रिविजन, अभी बताता हूँ मैं। मेक श्योर दैट द एनवायरमेंट, भाई जो एनवायरमेंट है तुम्हारा वो काम होना चाहिए, उसमें नॉइज नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है, बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट रिविजन, रिविजन बोले तो अपने आइडियाज को सही मानकर काम नहीं चलेगा, उन आइडियाज के अंदर अगर कोई स्पीकर उसके अगेंस्ट में बोल रहा है, उसके बारे में कुछ बोल रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। इसके बारे में एक कोटेशन और दे रखी है, वी स्पेंड 90 सेकेंड्स एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन एंड 900 सेकेंड्स ब्लाइंडली डिफेंडिंग इट, कि ये तो मेरा ओपिनियन है और इसको मैं एक्सप्रेस करूंगा 3 मिनट, एक्सप्रेस करूंगा 1.5 मिनट में, और उसको डिफेंड करने में मैं 10-15 मिनट बोल दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपने ओपिनियंस को हमेशा करेक्ट नहीं मानना चाहिए, हमें अपने ओपिनियंस में चेंज होने के लिए अपने आप को वो करना चाहिए कि हम उसमें चेंज ला सके, हमें बुरा नहीं लगे। अगर हमारे ओपिनियंस के अगेंस्ट में कोई आदमी विद रीजनिंग बोल रहा है तो हम उसका बुरा नहीं माने और हमें बुरा नहीं लगे। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मॉड्यूल में देख लो सारी चीजें मैंने आप लोगों को करा दी, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, स्टॉप टॉकिंग, प्रिपेयरिंग, ये सारी चीजें जितनी थी ये सब मैंने आपको बता दी। इसके बाद आगे चलो,
आगे चलो, ये सारी चीज हो गई बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिस्टिंग। बैरियर्स क्या आते हैं? ये सारे बैरियर्स आते हैं, पहले से हम आइडिया है, इंटरप्शन आता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्री ऑक्यूपेशन, क्लोज्ड माइंड, इमोशंस, नॉइस, पेकिंग अटेंशन, बिकमिंग इमोशनल, अवॉइड जंपिंग टू कंक्लूजन, डिस्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें अपन ने कर ली। और वेज क्या है इनके ओवरकम करने के बैरियर? हमें क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट रहना चाहिए, रिफ्रेन रहना चाहिए, ये सारी चीज हो गई। पहले से प्रिपेयर करके रख लो, बी प्रिपेयर्ड बिफोर एंड, बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट रिविजन, बी श्योर दैट द एनवायरमेंट इज कंडक्टिव टू लिसनिंग। ये सारी चीजें हमने वेज ऑफ लिसनिंग ओवरकम द बैरियर कर लिया। इसके नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। हमने बिजनेस कम्युनिकेशन का बिजनेस, ये हमारा क्या टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या, लिसनिंग स्किल्स, आज कंप्लीट कर लिया, एक लेक्चर में कंप्लीट कर लिया, रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट कर लिया। जो बच्चे नए हैं, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लो। लिंक काम नहीं कर रहा तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, वो मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है, मैं तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये नोट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं। और ठीक है, बी प्रिपेयर्ड, थैंक यू वेरी मच।